नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज गौड़ आज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी शाखा हरियाणा की ओर से मां गंगा के तट पर आयोजित कैंप की। ये कैंप है यूथ रेड क्रॉस कैंप फॉर गर्ल्स। हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये किस प्रकार से प्रशिक्षण युवाओं को देते हैं, जिससे युवा युद्ध के दौरान, आपातकाल के दौरान मानवता के लिए सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार रहते हैं। हमने देखा कि कोरोना काल के दौरान जब सगे संबंधी साथ छोड़ गए थे, तो रेड क्रॉस के वॉलेंटियर्स कदम कदम पर मानवता के लिए तैयार खड़े थे। एक ऐसी संस्था जिसे 4 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो आइए कैंप में किस प्रकार से ये युवाओं में राष्ट्रभक्ति का, मानव कल्याण का जज्बा भरते हैं, उसे जानने का प्रयास करेंगे। पतित पावनी माँ गंगा के तट पर स्थित देश की सांस्कृतिक राजधानी हरिद्वार में इस कैंप का आयोजन किया गया। जब हम कैंप के भीतर पहुँचे तो विभिन्न प्रकार की रंगोलियों ने राष्ट्रीय एकता के मंत्रों के साथ हमारा स्वागत किया। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारियों में हरियाणा के राज्यपाल महामहिम बंडारू दत्तात्रेय इसके प्रेसिडेंट और चेयरमैन हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी संस्था के वॉइस प्रेसिडेंट हैं। श्रीमती सुषमा गुप्ता संस्था की वॉइस चेयरमैन हैं। जनरल सेक्रेटरी के पद पर श्री डी आर शर्मा जी विराजमान हैं। वहीं ट्रेजरर के रूप में श्रीमती सुषमा शर्मा कार्य को देखती हैं। वहाँ भी पूरा डिसिप्लिन और डेकोरम के साथ आपने रहना है, ये बताना हमको कि आप IRC वॉलेंटियर्स हैं।
आगे वाले डेमोक्रेट। इस प्रकार हमने देखा कि रेड क्रॉस के प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत ही शानदार होते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से रेड क्रॉस के इतिहास, फर्स्ट एड की जानकारी, रक्तदान के महत्व की जानकारी, विभिन्न प्रकार के अंगदान के संदर्भ में जागरूकता, स्वच्छता के प्रति जागरूकता, युद्धकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान मानवीय भावनाओं का प्रशिक्षण, संवेदनाओं की जागृति आदि बहुत ही सक्षमता और सूक्ष्मता के साथ किया जाता है। संस्था के साथ अनेकानेक ऐसी विभूतियां जुड़ी हुई हैं जो निरंतर युवाओं का मार्गदर्शन करती हैं और वे एक कल्याणकारी विश्व की निर्माण में संलग्न होते हैं। अतः जब भी आपको इसके प्रशिक्षण कार्यक्रम में जाने का अवसर मिले, आप अवश्य भाग लें। धन्यवाद।